शुरू कीजिए हेलो, सुन पा रहे हैं आप सर सर। मुझे? जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। जी अपने बारे में बताइए कुछ हमें। राजसमंद जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th क्लास राजसमंद से 2010 में 86.6% से की है। 2012 में सर मैं 12th राजसमंद से ही 80% से करी है। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2016 में 73% से करी है। सर वर्तमान में मैं कनिष्ठ सहायक के रूप में नगर पालिका देवगढ़ में स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत हूँ, जहाँ मैं भूमि सर्वे में भूमि रूपांतरण नगरीय विकास का कार्य देखता हूँ। सर फुटबॉल खेलना, कविता लिखना सर मेरी हॉबी है। और सर राज्य स्तर पर पैदल चाल में 5 किलोमीटर के अंदर मैंने कांस्य पदक प्राप्त किया हुआ है। और राजसमंद में सर हेरिटेज वॉक पर कुंभमेला होती है, उसमें मेरे सिक्स पोजिशन रही है। अच्छा ठीक है। आपकी फुटबॉल खेलना रुचि है ना? जी सर। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा? सर वर्तमान में लियोन मेसी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप मैदान में कौन सी पोजीशन में खेलना पसंद करते हैं? सर मैंने सदैव गोलकीपर रहा हूँ। मैंने गोलकीपिंग की है सर। अच्छा, गोलकीपिंग किया आपने। अभी यूरो कप चल रहा है, आपको ध्यान है? जी सर। आज यूरो कप में किन किन दो टीमों का मैच है? सॉरी सर, आज के मैच में अभी मैं देख नहीं पाया था। कल के मैच के बारे में सर मैंने हेलो। अभी पढ़ा था। जी सर, आज के मैच में देख नहीं पाया था किसकी पिच में। माफी चाहूंगा सर। अच्छा, इसके साथ ही एक दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों का भी एक कप चल रहा है फुटबॉल को लेकर के। जी सर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोपा अमेरिका कप चल रहा है सर। अच्छा, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? अभी कौन सी टीम के गोलकीपर है? सर जर्मनी के हैं मैनुअल न्यूमार, जो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में उनकी गिनती होती है। क्या लगता है आपको, यूरो कप इस बार कौन जीत पाएगा? सर काफी अच्छा कंपटीशन चल रहा है और इसमें बेल्जियम, फ्रांस और इटली, मुझे लगता है इनमें से कोई एक टीम जीतेगी सर। जर्मनी क्यों नहीं? अच्छा, सर जर्मनी भी अच्छी टीम है, लेकिन सर इटली ठीक और है जो ठीक जी सर, है ठीक है। आप बताइए, आज आप अखबार पढ़ के आए? जी सर, आज के अखबार में कोई हिंदी की कविता आई? आपकी रुचि है तो कोई अखबार में आपने देखा कि हिंदी की कुछ कविताएं मिली आपको? जी सर आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती थी, पुण्यतिथि थी सर, तो खूब लड़ी मर्दानी वर्षा झांसी पर जानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता इसमें आई थी सर। आप किन की कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं? आपके पसंदीदा कविकार कौन है, कवि? सर ऐसा कोई विशेष किसी एक कवि के बजाय सर मैं सभी कविता पसंद करता हूँ। गोपाल दास नीरज जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, मैथिली सेन गुप्त की, नागार्जुन जी की, दुष्यंत कुमार जी की गोपाल दास नीरज जी ने और एक हेमंत बहुत ही झा अच्छी कविता लिखी है, प्रसिद्ध कविता लिखी है गोपाल दास नीरज जी ने। की। जी क्या है, कुछ बताइए लाइनें। सर उनकी कविता है, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी राह आसान करो। मैं फूल रोपते कांटे मुझे चलाते हैं, मरुस्थल पहाड़ चलने की राह दिखाते हैं। ये कविता काफी प्रसिद्ध है सर। एक और है गोपाल दास नीरज जी की कुछ पंक्तियां, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जी सर, जी सर। वो आपको याद है? सॉरी सर, मैंने तो पढ़ा, मेरे को उसके जो बोल हैं याद नहीं है सर। अच्छा ठीक है। आप बाड़मेर में बीडीओ के रूप में पदस्थ है, ठीक है ना? जी सर। और वहां पर आपको लोगों को टीकाकरण बढ़ावा देने के लिए समझाना है, जी सर। ठीक है ना? बीडीओ के रूप में पदस्थ है। आप नरेगा के किसी साइट पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, वहां आपको ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जी सर। और ऐसी स्थिति में आपको वैक्सीनेशन के लिए समझाना है अपनी मातृभाषा में। आप उन्हें कैसे समझा पाएंगे?
जी सर। ताक्षा राम नाम बनो सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रखी हुआ कोरोना के खिलाफ। जिन आदमी ने वैक्सीनेशन ला रहे क्योंकि मौत तो नहीं रह रही है पर कोरोना रह सके भी नहीं। अब अगर वैक्सीनेशन कर दे वहाँ तो आप घर का जितना टाबर है पापा हाँ परिवार है ये सब स्वस्थ रहेगा। जो वैक्सीनेशन कराओ तो और वैक्सीनेशन कराओ यदि से आपने नरेगा में जो आपने काम है और वो जॉब कार्ड है वो चालू रखा ला। ठीक है। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यह है कि आपकी तीन खूबियां बताइए जिस आधार पे आपका प्रशासन में चयन होगा। सर मुझे लगता है सर मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ और धैर्यवान हूँ सर। सर मैं डिसीजन लेकर उन्हें सही साबित करने में अपना पूरा प्रयास भी करता हूँ और सही साबित भी करता हूँ। आशावादी रहना और धैर्य रखना एक प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्यों में किस प्रकार सहायक होंगे? सर हम देखते हैं प्रशासन में कई बार जो हम कार्य करते हैं जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं उसके लिए कोई तौर पर जल्दी हमको प्राप्त होते हैं काफी समय लगता है। तो सर धैर्य रखते हुए अपना कार्य करते रहना और मैं आशा रखना कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उसके परिणाम दिखेंगे ये दोनों में इसमें काफी उपयोगी है। ठीक है, नरेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। नरेंद्र सिंह जी पाली स्वरूप जी। जी सर। नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, आप अभी राजसमंद में कार्यरत हैं? जी सर राजसमंद जिले में देवगढ़ नगर पालिका सर मैं वहाँ कार्यरत। जी सर, कितने समय से आप कार्यरत हैं वहाँ पर? सर मुझे 4 वर्ष हो गए हैं सर। अच्छा, तो आपने जैसे बताया आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक है, ठीक है सर। तो फिर बीटेक जैसी मतलब हायर एजुकेशन लेने के बाद भी आप लिपिक के कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, तो इसका क्या कारण है? जबकि आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, तो ऐसी क्या आवश्यकता होगी कि लिपिक के वर्ग में कार्य करना पड़ा आपको? सर बीटेक के दौरान मुझे लगा कि मैं सरकारी सेवा में अच्छा कार्य कर सकता हूँ और मेरा जो नेटवर्क नेचर है मेरा खुद का व्यक्तित्व है वो प्रसारित सेवा से काफी मेल खाता है। सर बीटेक के पश्चात मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ मैंने कंपनी में 6 माह की नौकरी भी करी और उस दौरान जब मैंने 2016 का अटेम्प्ट दिया था और उसकी मेन्स की तैयारी करने के लिए मैंने वो जॉब छोड़ी और मेन्स मैंने 2016 का लिखा सर। उसके बाद सर घर को आर्थिक परिस्थितियों को संभाल लेने के लिए मैं दूसरे एग्जाम भी दिए जिसमें मेरा चयन नगर पालिका सेवा में होगा। तो मुझे लगा सर कि खुद को कुछ सालों भी करने के लिए और जो मेरा सपना है जो मेरा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए और निरंतर प्रयास करने के लिए मुझे एक जॉब करनी चाहिए और इससे अगर मैं नगर पालिका इसको ज्वाइन कर ली तो साथ में मेरी तैयारी है उसको भी जरूर रखा। लेकिन जैसे कई व्यक्ति इंजीनियरिंग जॉब करते हुए भी तो सेलेक्ट होते हैं, तो आपको जैसे आपने कहा कि मेरे व्यक्तित्व में प्रशासनिक ऐसी विशेषताएं थी कि मैं प्रशासन में आना चाहता हूं, तो ऐसी क्या विशेषताएं लगी आपको जो इंजीनियरिंग के लिए फिट नहीं बैठ रही थी? सर जो इंजीनियरिंग के लिए भी सर मैं फिट था लेकिन मुझे लगता है सर कि जो मेरा वर्क नेचर है मेरा सर और जो मेरा खुद का व्यक्तित्व है सर मेरा व्यक्तित्व काफी वर्सेटाइल है सर डाइवर्सिटी खूब है उसमें और जो प्रशासन है इसमें भी वर्सेटाइल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और जो कार्यविता है सरकारी सेवा में आदेश में वो कार्यविता मुझे भी पसंद है और मेरा व्यक्तित्व भी ऐसा है इससे सर मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। इंजीनियरिंग की जॉब में हम आमतौर पर देखते हैं सर जो कार्य वर्क प्रोफाइल है। ओके ओके जी जी आप नगरीय निकाय में क्या कार्य कर रहे हैं अभी? सर वर्तमान में भूमि शाखा में भूमि रूपांतरण स्टेट बैंक भत्ता और नगरीय विकास का जो कार्य है मुझे उसे करता हूँ। तो ये जो पट्टे जारी किए जाते हैं नगर निकाय द्वारा ये किस नाम के तहत किए जाते हैं? एग्रीकल्चर के पट्टे? एग्रीकल्चर के पट्टे जो जारी किए जाते हैं। जी जी सर। सर राजस्थान भूमि रूपांतरण नियम
जी वापस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कृषि भूमि के जो पट्टे जारी किए जाते हैं कृषि भूमि रूपांतरण के, वो किस नियम के तहत जारी किए जाते हैं? राजस्थान भूमि, राजस्थान किसी से गैर कृषि भूमि रूपांतरण अधिनियम 1956 धारा 90। अच्छा, अभी 1956 की धारा अभी वर्तमान में लागू है क्या? सर राजस्थान में सर भू राजस्व अधिनियम 1947 तो उसी के अंतर्गत सर 90A है वो नए लागू है। आवाज बहुत इको हो रही तो है ये जैसे जी सर ये अच्छी आ रही थी, अब आवाज अब क्या हो गया क्या? अब आवाज आवाज आ रही है आपको? हाँ सर मेरी आवाज आ रही है आपकी? आ रही जी। तो ये जैसे कोई ऑक्शन वगैरह करते हैं प्लॉट, उनको पट्टे किस नियम के तहत जारी किए जाते हैं? सर वो राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 से किया जाता है ऑप्शन के। अच्छा, तो जैसे आपकी हॉबीज आपने बताया कि फुटबॉल है, तो जी सर फुटबॉल से ऐसी क्या चीजें सीखने को मिलती है? तीन चीजें बताइए जो जीवन में बहुत लाभदायक होती हैं। सर एक तो सर टीम स्पिरिट जो होती है उसके अंदर सभी को सांस लेकर चलने की, इसके अलावा सर हर समय चौकन्ना रहना, कब आपको मौका मिल जाए अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए, और पूरी टीम को लीड करने का शिक्षा मुझे फुटबॉल से मिली है। मैं मानता हूँ कि तीनों चीजें सर मुझे काफी हेल्पफुल रही है जीवन में। अच्छा, आप ये बताइए जैसे आप ऐसे कौन से राजस्थान के जो सीएम थे जो नगर निकाय में सभापति भी रह चुके हैं? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो आप राजसमंद से हैं, तो राजसमंद में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कितनी है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री मुख्य रूप से यहाँ पे दो ही हैं सर, एक जेके डाई इंडस्ट्री है सर और एक सर आरके मार्बल का है सर। अच्छा, ये पैसा एक्ट क्या है पता है आपको? जी सर। जी बताइए। सर पैसा एक्ट जो अनुसूचित क्षेत्र है टीएसपी के जनजाति क्षेत्र है वहाँ पंचायती राज और नगर निकाय के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, उन्हें विशेष छूट दी गई है उससे संबंधित सर पैसा एक्ट। अच्छा, ये टीएसपी एरिया के लिए है सर जो अधिसूचित क्षेत्र है सर जो जनजाति और अधिसूचित क्षेत्र है नोटिफाइड एरिया है सर उनके लिए सर। ये अधिसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? सर भारत में कुछ राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्र जो हैं जनजाति क्षेत्र वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए उन्हें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान की धारा 371 में वहाँ के लोगों के लिए विशेष प्रदान किए गए हैं उन राज्यों के लिए, तो वहाँ सर ये लागू है सर नोटिफाइड एरिया। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, कितने जिलों में? सर राजस्थान में दृष्टि राजस्थान है, इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ उदयपुर का हिस्सा राजसमंद का हिस्सा शामिल है सर, इसके अलावा सर बारा सरदाबाद बारा के अंदर जो शहरी जनजाति है उस वो क्षेत्र शामिल है इसके अंदर, इसके अलावा सर सिरोही और पालीगंज क्षेत्र शामिल है क्या इसमें? जी सर जो ग्रासे जनजाति है सिरोही पाली और उदयपुर का जो क्षेत्र है सम्मिलित रूप से वहां का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है सर। बताइए आप भारत में जो प्रथम शहरी निकाय है उसकी स्थापना कब हुई थी? सर ये 1888 में हुई थी सर मद्रास में ब्रिटिश काल के दौरान। जी सर। स्थानीय निकाय का स्वपिता की स्थानीय निकाय जो स्वशासन है उसका पितामह किसे कहा जाता है? सर लॉर्ड रिपन सर। ब्रिटिश है जो शासन है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ से कुल मिला के दोहन करना शोषण करना, तो ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने नगर निकाय की स्थापना की? उनकी मंशा तो
क्या लगता है कि आपको उचित थी वास्तव में लोगों को स्वशासन देना था, या इसके पीछे आप इसको नहीं मानते तो क्या वजह थी कि उन्होंने निकायों की स्थापना की? जैसा इसके पीछे कई वजह थी। ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसका अंतिम उद्देश्य तो यहाँ के संसाधनों का दोहन ही था, लेकिन सर उन्होंने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में भी काफ़ी योगदान दिया है, और नगरीय क्षेत्र की जो जनता है वो खुद नगरों में जो वहाँ जो ब्रिटिशकालीन जो व्यक्ति थे, वहाँ की जो सेना थी, वो जो उनका वहाँ के जो लोग थे वो शहरों में निवास करते थे, तो शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते थे उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए और वहाँ के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने नगरीय निकायों की स्थापना की। अच्छा, ये मेट्रोपॉलिटन सर क्या होता है, इसके बारे में बताइए जरा। जी सर, 10 लाख से ज्यादा की जो आबादी है आबादी के शहर है उन्हें मुख्य रूप से सर मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है। अच्छा, इसमें कोई नियमों का कुछ प्रावधान है क्या, कैसे घोषित करेंगे, कितने शहर है भारत में मेट्रोपॉलिटन? सर माफी चाहूंगा, मैं संख्या तो इसको एग्जैक्ट याद कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, अभी स्वच्छता रैंकिंग आई थी 2020 सर। तो इसमें राजस्थान में कुछ शहरों के नाम बताइए जहाँ जिन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है, और राजसमंद की भी रैंक बताइए आप। जी सर, उदयपुर की हाईएस्ट रैंक थी, 8th रैंक थी इसमें सर। इसके अलावा सर जोधपुर और जयपुर की रैंक सर अंडर 50 थी सर। श्योर हैं आप? राजसमंद जी सर, श्योर हैं आप? जी सर एग्जैक्ट रैंक मुझे याद नहीं है सर, लेकिन जयपुर और जोधपुर की रैंक अंडर 15 थी। जोधपुर की रैंक सर 28 थी सर, 28 थी, और जयपुर की 46 कार का कुछ थी सर, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूँगा। नहीं, ओके, अब ठीक है। आप ये बताइए, जैसे इंदौर लगातार 3 वर्षों से प्रथम आ रहा है, तो क्या वजह रही कि इंदौर ने ऐसा क्या किया कि वो हमेशा फर्स्ट रैंक मिल रही है उसको? सर जो स्वच्छता है और ये रैंकिंग है इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो आम नागरिकों का है। इंदौर में सर लोगों को जागरूक किया गया और लोग खुद वहाँ पर जागरूक हुए। इसके अलावा सर वहाँ पे जो डोर टू डोर कलेक्शन है वेस्ट का, कचरा का, वो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा सर जो सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट है और कचरे का सेग्रीगेशन है, इसका उन्होंने काफ़ी अच्छा यूज किया वहाँ पे। अच्छा, और क्या रीजन रहे? इसके अलावा सर जो वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको प्रोफेशनली उनको स्किल किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, और अलग अलग जगह पे क्लस्टर बना के जो संग्रहण कचरा संग्रहण किया गया है और उनको रिसाइकिल किया गया है, तो मुख्य रूप से सर वहाँ पे रिसाइकिल रीयूज पे विशेष ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से सर वहाँ पे बार बार, और जो सिटीजन फीडबैक है स्वच्छता रैंकिंग में सबसे बड़ा योगदान सिटीजन फीडबैक का है, तो वहाँ लोगों को इस तरह से जागरूक किया गया है और ऐसी सुविधाएं भी दी गई हैं, तो फीडबैक लोगों का मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है। ओके, अगर आपको मान लीजिए कि स्वायत्तशासन विभाग का सेक्रेटरी बना दिया जाए, ठीक है, तो निकाय शहरी निकाय में सुधार के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, कुछ 4 कदम बताइए। सर सबसे पहले जो पहला मेरा कार्य होगा वो राजस्थान के सभी नगर निकायों में कार्य की एकरूपता लाने का प्रयास करूंगा मैं सर। इसके अलावा सर जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनका उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी मैं करने का प्रयास करूंगा, उनकी ट्रेनिंग हो जाए सर। इसके अलावा सर जो टैक्सेशन व्यवस्था है नगरीय निकायों की, कर संग्रह की व्यवस्था है, उसके लिए मैं अलग कैडेट या अलग व्यवस्था करूंगा जिसका कार्य केवल कर संग्रहण का कार्य ही है उनका, ये एक व्यवस्था रहेगी सर। और इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं और इनको सर ट्रेन करने, इनकी वर्तमान में कोई ट्रेनिंग नहीं होती सर, तो मैं कोशिश करूंगा इनको भी ट्रेनिंग दी जाए और इनके जीवन को जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए भी प्रयास किया जाए। ओके, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अधिकांश अपन देखते हैं कि जो सरकारी जो सरकारों द्वारा है जो पंचायती राज पर काफी ध्यान दिया जाता है, बजट भी उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है ना, लेकिन शहरी निकायों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्या वजह है इसकी?
सर बजट की जो उपलब्धता है वो जनसंख्या के आधार पर की जाती है। राजस्थान की जनसंख्या है 75%, 74% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि शहरों में 24% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए फंड का जो एलोकेशन होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होता है और शहरों में कम होता है। अच्छा ओके सर। सर टाइम हो गया सर मेरा सर। हाँ आकाश जी, थैंक यू सर। आकाश जी कह रहे हो? ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके मनीष जी, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। ये अब काफी टाइम से हम सुनने में आ रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो डेड हो चुकी है। तो कैसे बोलते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्यों बातें बन रही है और इस तरीके से क्यों अवधारणाएं बन रही है, और आपको लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो डेड हो चुकी है? नहीं सर, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियर खत्म हुई है या खत्म कभी होगी सर, क्योंकि सर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सीधा जुड़ाव है वो प्रोडक्शन से है, और जब तक सर प्रोडक्शन है तब तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिंदा रहेगी सर। और वर्तमान में सर जो ये बातें आती हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेड हो गई है या उसमें रुझान कम हुआ है, तो मैं मानता हूँ सर इसके पीछे वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत में भी सेवा क्षेत्र का उभार ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से सर जो डीटेक क्षेत्र है, प्रोडक्शन और उत्पादन क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें रोजगार थोड़े कम हुए हैं, इसलिए ऐसा हमको सुनना मिलता है। अभी आपको कौन कौन से फील्ड्स जो लगते हैं वो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से निकल चुके हैं और खुद में अपने आप में बहुत बड़े बड़े फील्ड बन चुके हैं? सॉरी सर, मैं अभी मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है वो एक कोर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट्स के बहुत सारे अलग अलग जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े हैं वो निकल चुके हैं उसके अलग जी अलग। जो आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कह रहे हो तो वो एक अलग ही ब्रांच बन चुका है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिजाइन सर, इंजीनियरिंग बन चुका जी है सर, ना, मटेरियल इंजीनियरिंग बन चुका है, इस तरीके से हो चुका है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो है डेड हो चुकी है। तो अगला ये है कि आप बताइए कि राजस्थान जो है वहाँ पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपके सब्जेक्ट्स का डायरेक्ट यूज कहाँ कहाँ पे देखते हो? सर जो राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में देखता हूँ मैं, विंड एनर्जी में, इसके अलावा सर जो थर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट यूज देखता हूँ। इसके अलावा सर जो राजस्थान में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई जाती है, वहाँ मैं देखता हूँ सर कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से काफ़ी नवाचार किए जा सकते हैं। अच्छा, जो ये आपने कहा विंड एनर्जी जो होती है, विंड एनर्जी जनरेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है? सर इसमें जो विंड एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है सर। दो टरबाइन की ब्लेड होती हैं, उन ब्लेड पे सर एयर के माध्यम से वो ब्लेड घूमती हैं, और फिर जो जनरेटर है उससे वो चलता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको सर हम लोग स्टोर करके और जो सबग्रिड वगैरह है वहाँ भेजते हैं सर। अच्छा, ये टरबाइन होता है, टरबाइन और इंजन में क्या फर्क होता है? जी सर, सर सर मैं इसको अभी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा सर, माफी चाहूंगा इसके बारे में। अच्छा, जो इंजन होता है उसके अंदर और मशीन के अंदर क्या फर्क होता है? जी सर, सर इंजन, सर इंजन में सदैव इंजन को सर ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी होती है वो अलग प्रकार हो सकती है, और इंजन से सर जो आउटपुट मिलेगा वो मैकेनिकल वर्क मिलेगा, जबकि सर जो मशीन है तो मशीन को चलाने के लिए हमें मैकेनिकल वर्क की जरूरत पड़ती है। ये फेम इंडिया किसके बारे में है? फेम इंडिया के बारे में सुना होगा, इसका फुल फॉर्म या ये किसके बारे में है? सर जो फेम इंडिया है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए है, फास्ट एडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल, ऐसे करके ऐसे में उसका पूरा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, माफी चाहूंगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स है उनकी हम बात कर रहे हैं, और ये भी अभी गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 2030 तक जो कार जितनी भी कार्स होगी वो सारी इलेक्ट्रिकल होगी। तो
इलेक्ट्रिक इंजन के ऊपर होगी। तो क्या क्या आपको चैलेंजेस लगते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएगी सारी, या अगर नहीं तो फिर क्या क्या जो वो चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ रहे हैं? वर्तमान में जो सरकार के प्रयास हैं और जो फ्यूल इंजन है, जो इंजन फ्यूल है सर, पेट्रोल डीजल, उनकी जो बढ़ती कीमतें हैं और सरकार की जो नीतियाँ हैं, उससे मुझे लगता है कि सभी वाहन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम काफ़ी हद तक वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन सर वर्तमान में कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर मैं देखता हूँ, उसमें सबसे बड़ी चुनौती सर यह है बैटरी बैकअप की। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी होती है सर, उनकी एक क्षमता होती है और इनकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा सर चार्जिंग स्टेशन हैं, इनकी भी कमी अभी वर्तमान में देखते हैं। इसके अलावा सर एक आर्टिकल में पढ़ा जिसमें यह भी है कि जो वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जितना खर्च होना चाहिए था, जितना निवेश होना चाहिए था, उस हिसाब से हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं। और वर्तमान में सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अभी तक आई नहीं है। हालांकि इस और टेस्ला कंपनी का रुझान देखने को मिला है। और एक बड़ी समस्या सर ये है कि जो बैटरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल है लिथियम, उसकी अवेलेबिलिटी विश्व में सीमित क्षेत्रों में ही है, भारत में ये मिलता नहीं है। तो उसकी उपलब्धता भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रमोशन को सीमित करती है। लिथियम कहाँ कहाँ अवेलेबल है? सर ये अफ्रीकी कंट्रीज में है सर, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ है, कुछ देशों में है सर, मैं एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं कर पाता अभी तक। अच्छा, आप स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो क्या क्या, या इन जनरल इंजीनियरिंग से क्या क्या ऐसी वैल्यूज जो है वो आप सीखे हैं जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में काम आ सकती है? जी सर, सर मैं वहाँ पे मिनिमम रिसोर्सेज के माध्यम से मैक्सिमम आउटपुट देने का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसके बारे में मैंने सीखा है, जो मुझे प्रदर्शन में सीधा यूजफुल रहेगी। इसके अलावा सर क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से मैं जो सर्विस होंगी उनको बेस्ट अच्छी क्वालिटी के साथ में डिलीवर कर पाऊंगा। इसके अलावा सर जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग एक सब्जेक्ट था, उसके माध्यम से जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कैसे किया जा सके, ये भी मैं इसमें सर देख पाऊंगा। आपने क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके बारे में बताया कि आप मैंने, ये सिर्फ क्वालिटी क्या होती है? सर हम कोई भी वस्तु या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से हम कोई वस्तु बनाते हैं या कोई प्रोडक्शन करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके एक स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं कि ये स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड से मिनिमम डेविएशन आ गए तो जितना डेविएशन कम आएगा सर उतना क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी। क्वालिटी कंट्रोल के कौन कौन से टूल्स होते हैं? सर क्वालिटी कंट्रोल के सिक्स सिग्मा, लीन सिग्मा और TPM, TQM ये है टूल्स हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, टाइम हो गया, नेक्स्ट मेंबर अभी है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सर सकता हूँ क्या, अगर योगेंद्र जी, क्वेश्चन हो तो? जी सर पूछो पूछो, जल्दी पूछ लो। हाँ जल्दी, मतलब 1-1.5 मिनट लूंगा। मनीष जी, राजसमंद जी नमस्कार। आपका होम डिस्ट्रिक्ट है ना? जी सर सर पहले मेरे को एक क्वेश्चन ही पूछना है कि मगन सिंह राजवी क्यों फेमस है? सॉरी सर मैं नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये मतलब राजस्थान से बिलोंग करते थे, इंडियन फुटबॉल टीम के मेंबर थे, कप्तान भी रह चुके हैं, जी सर और जी सर फुटबॉल में ब्लैक पैंथर के नाम से कौन जाना जाता है? सॉरी सर मैगजीन का यार नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। और इंडिया के लास्ट दो गोलकीपर्स के नाम कोई बताओ आप, इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के। सॉरी सर अमेरिकन फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। लास्ट दो चीजें एक बार पूछ लूंगा आपको। लियो मेसी को आज तक कितने रेड कार्ड्स मिले? सर हमको आज तक कोई रेड कार्ड नहीं मिला था। सॉरी उनको दो रेड कार्ड मिले हैं। सर और एक चीज लास्ट क्वेश्चन मेरा, इंडियन फुटबॉल लीग को सुधार के लिए आपके कोई मतलब टीम इंप्रूव कर सके उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए? जी सर, एक तो सर इसके लिए जो स्पॉन्सरशिप है उसको बढ़ाना चाहिए, और सर
फुटबॉल को रोजगार से जोड़ा जाता है तो मैं मानता हूँ कि इसमें काफी सुधार हो जाएगा। ठीक है सुझाव आपको सही, लेकिन इंडियन फुटबॉल लीग मैंने बोला आपने सुना नहीं, इंडियन सॉकर लीग है। हाँ सर ISL। हाँ जी सर, एक बार फीडबैक दे दीजिए बाद में मैं पर्सनली इनसे बात। ठीक है सर। एक मेरा क्वेश्चन है सर इसे। जी सर। एक सर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं ना, इसके अंदर बैटरी और वर्तमान में जो व्हीकल्स है उनके उसके अंदर भी बैटरी होती है, इन दोनों बैटरीज में क्या फर्क है? सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनमें जो बैटरी होगी वो इंजन को स्टार्ट करने के लिए काम आएगी सर, जबकि वर्तमान में जो बैटरी होती है। जी सर क्या फर्क है उनमें केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में? जी सर वर्तमान में जो हम बैटरी यूज करते हैं वो उसमें सर H2SO4 और इसका जो केमिकल इसका यूज करते हैं, और जो इसको आप देख लेना वो लिथियम की होती है और वर्तमान में जो गाड़ी में बैटरी होती है वो शायद लेड आयरन की ऐसी होती है। हाँ सर वही सर, लेड आयरन एक तो प्रोडक्शन बिल्कुल सर। हाँ और उसमें लिथियम का यूज होता है, ठीक है ना? ओके सर। सर ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मनीष जी ये कह रहा हूँ कि जो मैंने सवाल पूछे उससे पहले भी मैं शायद आपको 3 बार आपके सवाल पूछ चुका हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और उसमें से लगभग 4-5 सवाल तो सेम ही थे। तो मैं यही आपको वापस यही कहूँगा कि आप जो वर्ड यूज में ले रहे हो उनके बारे में आपको मतलब, जैसे अभी जो आप बता रहे थे क्वालिटी वाला वो आपने ठीक कर लिया अच्छे से, उसमें दिक्कत नहीं थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक डेड सब्जेक्ट है, ये वो उसमें सर्विस सेक्टर से लेना देना नहीं है, बस ये है कि स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्ट सबके अलग अलग इंजीनियर्स हो चुके हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा कहीं कहीं हिल गया, बट डेड नहीं हो सकता बिकॉज मैकेनिकल सिस्टम तो पूरा ह्यूमन बॉडी और एक मैकेनिकल सिस्टम है, तो आपको उस तरीके से। बाकी जो आपने जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो बहुत मतलब 80% तो बहुत सही से बता दिए, और आप ये कीजिए कि जैसे एक मतलब आप कहने का मतलब है कि जैसे आपने जो एक क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे लगा कि 3 बार मैंने अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है आपको, लेकिन आप एक ही और मैं एक ही तरीके से बता रहे हो, वो ये कि अभी मैंने आपको ये पूछा था कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या क्या वैल्यूज जो है वो आपने सीखी, तो आप उसमें जैसे आपकी वो वैल्यूज बता दिए, ऑब्जेक्टिविटी जो आप कह रहे हैं ना, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन या फिर एफिशिएंट ऐसे कुछ हुआ ना, आप उसको सब्जेक्ट्स के पास में लेके मत जाइए, सब्जेक्ट वाला फिर वो अलग सवाल रहेगा, बस ये। बाकी टेक्निकल तो अब ज़्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट तो आपको सारा आ ही रहा है ना। थैंक यू सर। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू वेरी मच आपको। थैंक यू सर। आकाश जी थैंक यू यार, हैं आप। थैंक यू सर। राठौर साहब बता दो, अर्जुन जी बता दें, जो भी आप, अर्जुन जी आप बता दो पहले, राठौर साहब बता दें। मैं बता देता हूँ, आप बता दो सर के लिए। मनीष जी एक तो आप आज इंटरव्यू में कहीं ले में नजर आए ही नहीं, मुझे जहां तक पर्सनली लग रहा है बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे थे जो आपने शुरू किए फिर बाद में कहा मुझे जानकारी नहीं है सॉरी, लगभग लगभग हर एक मेंबर के साथ हुआ आपका, कई बार होता है ना ऐसा, इंटरव्यू में अपना नहीं होना है। एक जो सबसे बड़ी मेजर बात है वो है कि आपका उच्चारण थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन है ना हिंदी का। जी सर। अब इसको आप कैसे करेंगे, कैसे जैसे शब्दों के बीच में विराम देना है, जैसे आप मैं आपकी सीधी सी बात बताऊं, आपने कहा कि सर धैर्य मेरा अपना अच्छा गुण है ना, और आपके जवाब से ही उतावलापन झलक रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फुटबॉल के बारे में आपका कैनवास बहुत बड़ा हो जाता है ना फुटबॉल खेलने के बारे में, करंट से भी इंडिया से भी, तो आपकी हॉबी को आपको और अच्छे से करना है। जी सर। एक मेरा सवाल ये था आपसे कि वैक्सीनेशन में आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे लोगों को, एक सरकार ये प्रावधान कर रही है कि जो खाद्य और राशन सामग्री से जो जुड़े हैं उन लोगों के लिए एक बार अस्थायी तौर पर रोक लगा रही है, तो आप लोगों को ये भी बताएंगे कि यदि वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो आपको राशन सामग्री मिलने में दिक्कत होगी या नहीं मिलेगी, आप उनसे वंचित कर दिए जाओगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी छोटी छोटी चीजें इनको थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे ना। आपका साक्षात्कार कब है? 23 को है। 23 को है ना, तो ज्यादा इन चीजों को माइंड में लेना नहीं है,
ये तो ऐसे ही बताई गई है, इन चीजों से बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना आपको, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ऐसा वहाँ हो, कोई जरूरी नहीं है। वहाँ की स्थिति, वातावरण बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है मनीष जी। थैंक यू सर। हाँ।